दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगिंग को लेकर ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप घर बैठे रोज 1000 से लेकर 2000 रुपए कमाने लग जाओगे। अगर आप स्टूडेंट है, कोई जॉब करते हैं या फिर हाउसवाइफ है तो आपको ब्लॉगिंग तो करनी चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग इतना इजी वर्क होता है, आप उसको पार्ट टाइम लेके चल सकते हो और उससे अच्छा खासा अमाउंट पैसा कमा सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दो। चलो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो के स्टेप्स बता देता हूं ताकि आपको आगे वीडियो को देखने में बोरियत ना हो। तो दरअसल ये वीडियो 6 स्टेप्स में बटा हुआ है। पहले स्टेप में तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ब्लॉगिंग के लिए निश सेलेक्ट कैसे करनी है। दूसरे स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने ब्लॉग के लिए डोमेन नेम सेलेक्ट कैसे करना है। और तीसरे स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको वेब होस्टिंग सेटअप कैसे करना है। चौथे स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने ब्लॉग या साइट को सेटअप कहाँ पे करना है। और पांचवे स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपनी पहली पोस्ट कैसे लिखनी है। और छठे और लास्ट स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाने हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इनमें से एक भी स्टेप को मिस मत करना, ये सारी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट रखूंगा ताकि आपको भी इंटरेस्टिंग लगे और आप जल्द से जल्द सारी इन्फॉर्मेशन लेके चले जाओ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं कि आपको अपने ब्लॉग के लिए निश सेलेक्ट कैसे करना है। अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले निश को सेलेक्ट करना होगा। तो ये निश क्या होती है, जैसे मान लो आपको कोई कुकिंग पसंद है, फिटनेस वगैरह पसंद है कुछ, कोई ऑनलाइन गॉसिप वगैरह पसंद है, क्रिकेट के बारे में नॉलेज है, करंट अफेयर के बारे में नॉलेज है, जॉब्स के बारे में नॉलेज है, आपको कुछ भी आता है उसके बारे में कंटेंट डाल सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो। ब्लॉगिंग में आपको निश सेलेक्ट करना नेसेसरी है, इसके बिना आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप एक दिन के लिए ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप इस फील्ड में मत आओ, यहाँ पे टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है। अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कोई किसी चीज में पैशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको फिर क्या करना है, आपको इसके लिए आपको ऐसी निश को सेलेक्ट करना है जिसको आप लॉन्ग टर्म तक लेके जा सको। तो दोस्तों अब दूसरी स्टेप की बात करते हैं कि आपको अपने ब्लॉग के लिए डोमेन नेम सेलेक्ट कैसे करना है। ब्लॉगिंग करने के लिए आपको डोमेन नेम की तो जरूरत पड़ेगी, और आपका डोमेन नेम आपका ब्रांड बनता है। आपको हमेशा ऐसा डोमेन लेना है जो लोगों के लिए मेमोरेबल हो, यानी कि याद रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूँ amazon.com, google.com, facebook.com, youtube.com, मैं जैसे ये बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में इन डोमेन नेम के लेकर एक इमेज बन गई है कि हाँ यार ये उनकी बात कर रहा है। इसी तरीके से आपको भी अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है जो लोगों के दिमाग में मेमोरेबल रहे। अब दोस्तों तीसरी स्टेप की बात करते हैं कि आपको वेब होस्टिंग को सेटअप कैसे करना है। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, और इसके बिना आप ब्लॉगिंग कर ही नहीं सकते हो। आप ब्लॉगिंग में जो कंटेंट लिखेंगे, आपका जो भी कंटेंट होगा वो होस्टिंग पे जाके होस्ट होगा, इसलिए आपको होस्टिंग तो नेसेसरी है ही। अब बात ये आती है कि आपको फ्री वेब होस्टिंग लेनी है या फिर पेड लेनी है। मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप हमेशा पेड में जाइए। फ्री में जाओगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना। तो अब दोस्तों चौथे स्टेप की बात करते हैं कि आपको अपने ब्लॉग को सेटअप कहाँ पे करना है। इसके लिए आपको वर्डप्रेस पे जाना है। वर्डप्रेस ही क्यों, क्योंकि वर्डप्रेस सबसे बेस्ट, सिंपलेस्ट और इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस को बड़े से बड़े प्रो ब्लॉगर्स भी यूज करते हैं, इसलिए आपको भी इसे यूज करना चाहिए। वर्डप्रेस में आपको बहुत सारे प्लगइन्स, थीम और अच्छा इंटरफेस मिल जाएगा। वर्डप्रेस आपकी ब्लॉगिंग जर्नी में अच्छी हेल्प करेगा, इसलिए मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि आप वर्डप्रेस में जाओ। अगर आप ब्लॉगर में भी जाना चाहते हो तो उसको भी ट्राई करके देख सकते हो बिगिनर लेवल पे, बाद में आप वर्डप्रेस में शिफ्ट कर सकते हो। अब दोस्तों पांचवी स्टेप की बात करते हैं कि आपको अपनी पहली पोस्ट कैसे लिखना है। आप जब ये सारी चीजें कर लोगे, डोमेन नेम, वेब होस्टिंग और अपनी वर्डप्रेस पे सेटअप कर लोगे, तब आपको अपनी फर्स्ट पोस्ट कैसे लिखनी है मैं आपको ये बता देता हूँ। वर्डप्रेस में आपको ऊपर ही ऊपर क्रिएट पोस्ट या पोस्ट डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपको टाइटल और अंदर जो डिस्क्रिप्शन आप लिखने वाले वो और टैग्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी, आप उसमें वो सब कर लेना। और आप अपनी पोस्ट को डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, जब आपकी मनमर्जी हो वो कर सकते हो। दोस्तों अब लास्ट स्टेप की बात करते हैं कि आप अपने ब्लॉग से पैसे कैसे कमाओगे। आप अपने ब्लॉग पे पोस्ट डालने लग गए, कंसिस्टेंट होकर काम करने लग गए, तो आपको अपने ब्लॉग से पैसे कैसे कमाने हैं इस पर बात करते हैं। जनरली ब्लॉग से पैसे कमाने के 4 बड़े बड़े मेथड होते हैं। पहला तो आप होता है गूगल एडसेंस से पैसे कमाना,
दूसरा होता है एफिलिएट मार्केटिंग से, तीसरा ये होता है आप कोई आपके ब्लॉग पे कोई गेस्ट पोस्ट करना चाहे तो आप उससे पैसे चार्ज कर सकते हो, और चौथा तरीका होता है आप किसी का प्रमोशन कर सकते हो। ये तो मोटे मोटे तरीके हैं। जब आप ब्लॉगिंग की जर्नी में आगे बढ़ते जाते हो तो आपके लिए अनेक स्ट्रीम खुल जाती है पैसे कमाने की, तो आप ब्लॉगिंग को एकदम कंसिस्टेंट होके काम करोगे और रेगुलर रहोगे और पेशेंस रखोगे तो आपका एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा कि आप यहाँ से बहुत ज्यादा मोटा पैसा कमाने लग जाओगे। और दोस्तों ऐसा नहीं कि आप आज ही जाओगे ब्लॉगिंग में आज से पैसे कमाने लग जाओगे, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। आपको कम से कम लगातार 5 या 6 महीने तो ब्लॉगिंग में देने ही होंगे अर्निंग करने के लिए, और एक बार जब आपके यहाँ से अर्निंग आने स्टार्ट हो जाएगी तो आप यहाँ से रेगुलरली इनकम कर सकते हो और आपकी अर्निंग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी जिस तरीके से आप अपना कंटेंट और अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कॉमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।